ऐतिहासिक बेसिक स्कूल में शिक्षकों की कमी। 100 साल पुराने स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। परेशान पालकों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। बेमेतरा जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक 100 साल पुराने बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक स्कूल अंग्रेजों के ज़माने से है। इस स्कूल में बेमेतरा की कई हस्तियां जैसे विधायक, IAS व कई शासकीय उच्च पदों पर आसीन रह चुके हैं। ऐसे स्कूलों में अभी मात्र 300 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए मात्र 3 शिक्षक हैं, जिसके चलते उन्हें पढ़ने की समस्या आ रही है। CBSE के तहत अंग्रेजी माध्यम से संचालित इस स्कूल में स्टाफ की कमी के कारण छात्र छात्रा ही नहीं बल्कि पालक भी परेशान हैं। इसको लेकर जनप्रतिनिधियां उच्च अधिकारियों से मिलकर लिखित व मौखिक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर से उन्होंने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से शिक्षक की नियुक्ति करने की गुहार लगाई है। कैसे कलेक्टर आना हुआ? हमारे बच्चे बेसिक स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। 3-4 शिक्षक है, जिसमें से एक शिक्षिका जो है मैटरनिटी लीव में चली गई है और बाकी जो 3 शिक्षक है, तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लगभग 300 बच्चे हैं स्कूल में और 3 शिक्षक जो है पढ़ा नहीं पाते कहा जाए, और शिक्षकों की संख्या जो है लगभग 7 होना चाहिए। क्या चाहते हैं? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ शिक्षकों की जो कमी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल पाए। स्कूल को CBSE स्कूल घोषित किया शासन ने, जहाँ CBSE पाठ्यक्रम लागू है वहाँ नियमित शिक्षक 2 और 3 शिक्षक को हमने व्यवस्था बनाने के लिए संलग्न किया है। व्यापम से अंग्रेजी माध्यम को जो शिक्षक चयनित होते हैं, व्यापम से ही उस CBSE स्कूलों में उसकी पदस्थापना होती है। बीच में वहाँ पर हुआ था कार्यभार ग्रहण ने किया, यही हाल हमारे 4 विकासखंडों के अंग्रेजी माध्यम के CBSE स्कूलों में है। हम लोगों ने व्यवस्था बनाने के लिए बाकी जगहों से शिक्षक को वहाँ संलग्न करके वैकल्पिक व्यवस्था किया है।